खरगोन जिले की गोगांवा तहसील के थाना परिसर में आगामी त्योहार नवदुर्गा दशहरा दीपोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बिजली व्यवस्था, नगर विचरण करते आवारा पशु एवं यातायात समस्याओं पर विभिन्न चर्चा हुई। इस अवसर पर भिकन गांव SDOP राजा राम आवासिया, गोगांवा थाना प्रभारी दिलीप गंगराडे, बिजली विभाग सब इंजीनियर नरेंद्र मोरे, PWD विभाग से मोहन लाल कुमरावत और शांति समिति के सदस्य, नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ज्ञात हो कि नगर में होने वाली प्रत्येक शांति समिति की बैठक में आवारा पशु, सुअर एवं स्वच्छता को लेकर अब तक बात होती रहती आई है, परंतु स्थायी रूप से निराकरण नहीं हो पाता है। वहीं इस बार नगर में बंदरों के आतंक को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। वहीं शांति समिति बैठक के पश्चात कोतवालों की बैठक लेकर उनको समझाइश दी गई। गोगांव से एक बार हकीम की रिपोर्ट। शांति समिति की बैठक में ट्रैफिक के ऊपर मामला उठाया था। खरगोन सनावत मार्ग तिराहे से लेकर मोहम्मदपुर रोड तक ट्रैफिक जाम रहता है। दोनों साइड में बाइकें लग जाती है और आने जाने वाले को काफ़ी कठिनाई होती है। शाम के वक्त में 4-व्हीलर तो निकालना ही दुश्वार हो जाता है। दोनों साइड में सड़क के ऊपर गाड़ियाँ लग जाती बाइक है। अच्छा, कितनी बार आपने अवगत करा चुके हैं इस संबंध में? कई बार इस संबंध में चर्चा हुई है, लिखित में आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें गांव के शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग ली, उनके द्वारा बताया गया कि साहब ये करीब 9-10 दिन का त्यौहार है और यहाँ कस्बे में साफ सफाई, बिजली, पानी और विशेषकर यातायात व्यवस्था के बारे में बताया कि मवेशी रोड पर बैठी रहती है, मवेशी मालिक उनका ध्यान नहीं देते हैं। इस संबंध में पंचायत को और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि वहाँ की वो जो मवेशियाँ रोड पर बैठी रहती है उनके मालिकों को बुलाया जाएगा, उनको समझाइश देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं माने तो मवेशियों को हम खानगी हाउस तक भेजेंगे और जो भी नियमानुसार दंड होगा वो दंड उनको देना पड़ेगा। और रावणगान के समय में जो अकस्मात भीड़ एकदम आती है उसमें पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी पर्याप्त रहेगी। 9 दिन के गरबा मंडलों में भी पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कुछ लोगों द्वारा